हे गाइस, अगेन आपका वेलकम है रिव्यू ऑफ रोम पे, जहाँ पे मैं आपके लिए अनदर बेस्ट रोम की कलेक्शन लेकर हाजिर हो चुका हूँ रेडमी 4 डिवाइस के लिए। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों का कहना था कि मैं आपको एक प्रोवाइड करूँ बेस्ट रोम का जो कि MIUI के ऊपर बेस्ड हो। जी हाँ, MIUI के ऊपर बेस्ड रोम हो, क्योंकि मैंने जितने भी बेस्ट रोम के अभी कलेक्शन दिए सारी है जो रेडमी के जितने भी डिवाइसेज हैं उस पर सभी कस्टम रोम की ही मैंने बेस्ट रोम की कलेक्शन दिया है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि एंड में है, तो वीडियो को फुल वॉच करते रहें। यहाँ पर मैं आपको इंस्टॉलेशन मेथड भी बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स है जो अलग से वीडियो वॉच करना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि सारे फीचर्स, बैटरी डिटेल्स और क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं मेरे चैनल पर, तो आपको बस जरूरत है चैनल को सब्सक्राइब करने की, क्योंकि इस चैनल पर आपको लॉन्ग टाइम के बाद ही वीडियो मिलेगी, लेकिन बेस्ट रोम कलेक्शन रहेगी जिसके अंदर आपको कोई बग देखने को नहीं मिलेगा और बैटरी बैकअप और गेमिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। तो बस इस पे यही चीज़ आपको मिलेगी और बूट एनिमेशन की और कुछ एक्स्ट्रा डिटेलिंग मिलेगी जो कि परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि टेक ऑफिस में इवेंट है जो आपको लिए लेकर आता हूँ लेटेस्ट रोम के रिव्यू, बग एंड फीचर्स। बट लॉन्ग टाइम यूज करने के बाद क्या कुछ हमें देखने को मिलता है वो सारी डिटेल मैं आपको रिव्यू ऑफ रोम पे प्रोवाइड करता हूँ, जो कि बेस्ट कलेक्शन होती है, जो कि आपके ओपिनियन और मेरे टेस्टिंग वगैरह को चेक करके ही यहाँ पे लाया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, फीचर्स और इम्प्रूवमेंट और क्या ऐसी चीज़ें इसकी देखने को नज़र आती है। ठीक है, मैं अभी फिलहाल करंट इसका बिल्ड यूज कर रहा हूँ जो कि Xiaomi EU के द्वारा मेड है। ठीक है, Xiaomi EU देख सकते हो आप यहाँ पे लेटेस्ट बीटा वर्जन है जो कि 9.5.9 है, 7.1.2 का एंड्रॉयड वर्जन जो कि हमें ऑफिशियली मिलता है। ये कोई पोर्ट रोम वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से आप सोचोगे कि भाई ऑडियो रहता या पाई रहता है तो ज़्यादा बेटर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको 7 का ही देखने को मिलता है। मैं 3G वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ, आपको सिक्योरिटी पैच वही ओल्ड वाला मिलता है, क्योंकि ऑफिशियली स्टॉप कर दिया गया है, तो जो ऑफिशियली मिलता है वो भी हमें EU के थ्रू और ग्लोब के थ्रू मिलता है, जो कि 2018.10.1 का है। बट आपके रिकमेंडेशन के अनुसार मैं यहाँ पे हाजिर हूँ MIUI का बेस्ट रोम का सिलेक्शन लेकर। यहाँ पे अगर आते हो नेटवर्क टाइप पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वही 4G LTE यानी नेटवर्क लॉक करने का फीचर्स। अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो आप इसे लॉक करके कॉन्स्टेंट स्पीड प्राप्त कर सकते हो। वोल्टी आइकन यहाँ पे इस अपडेट में कर दिया गया, बिल्कुल ही चेंज आप देख सकते हो किस टाइप का देखने को मिल रहा है, जो कि पहले ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता था। तो वोल्टी आइकन बिल्कुल ही नया कर दिया गया, साथ ही साथ जो 4G हमें साइड में दिखाई देता था वो नेटवर्क के ऊपर है जो एक्सपेंड कर दिया गया, लुक लाइक अ कस्टम रोम, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको राउंड कॉर्नर देखने को मिलता है, जहाँ पे आप जो कॉर्नर को अपने राउंड कर सकते हो। बहुत सारे यूजर्स को पसंद नहीं आता है, तो आप यहाँ पे इसे ऑफ भी कर सकते हो। टैप फिंगरप्रिंट सेंसर टू वेक यहाँ पे दिया गया है, यानी फिंगरप्रिंट के ऊपर आप इस तरह से टैप करोगे तो आपको है जो वेक होगा इस टाइप से, लेकिन ये हमारे डिवाइस सपोर्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे आपको वर्किंग नहीं मिलता है। तो आप बग मत समझना, ये डिवाइस सपोर्टेबल नहीं है इसलिए नहीं मिलता है। राइट टू वेकअप ये हमें ऑफिशियली सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत करता है, राइट टू वेक होने में थोड़ा सा डिले है बट वर्किंग है। तो इसी आप एक बग मत समझना, क्योंकि ऑफिशियली में प्रोवाइड नहीं किया गया है, अनऑफिशियली में प्रोवाइड किया जा रहा है EU के थ्रू, तो समटाइम ये वर्किंग रहता है तो समटाइम ये वर्किंग नहीं रहता है। तो बट इसके लिए आप है जो टेंशन मत लेना। और यहाँ पे इस तरह से जो फेस अनलॉक यहाँ पे आपको वर्किंग देखने को मिल जाता है। आए क्यों आते हैं तो वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हो, थीम भी अप्लाई कर सकते हो, थीम में भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलने वाली है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। साउंड्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको मीडिया, अलार्म, रिंगटोन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, टैप डिलीट साउंड्स वगैरह, वाइब्रेशन वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नॉर्मल वाले ही ऑफिशियल लेआउट देखने को मिलता है, क्योंकि एक ऑफिशियल के ऊपर ही मेड है, ये सेकेंड अनऑफिशियल आप इसे रोम को मान सकते हो Xiaomi EU का। ठीक है, यहाँ पे अगर आप फिंगरप्रिंट के मैनेज पे आते हो तो आपका फिंगरप्रिंट का भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और फेस अनलॉक में एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाती है, वो ये है कि शो नोटिफिकेशन डायलर आफ्टर वेरीफाइंग डेटा, यानी आपके कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पे अपेयर हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक नोटिफिकेशन यहाँ पे अपेयर हुआ है, लेकिन ये आपको शो नहीं करेगा क्या यहाँ पे नोटिफिकेशन है, लेकिन आप जैसे फेस डिटेक्शन यहाँ पे वेरीफाई कर देते हो ये नोटिफिकेशन आपको जो शो हो जाएगा। जैसे मैं आप यहाँ पे आता हूँ इसके सामने, यानी अपने फेस को लाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेस रिकॉग्नाइज होते ही यहाँ पे मैसेज जो शो कर रहा है। तो ये फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है फिंगरप्रिंट के अंदर, सेटिंग के अंदर जो कि फेस डेटा में आपको मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है उन यूजर्स के लिए जो कि चाहते हैं कि अपने लॉक स्क्रीन से नोटिफिकेशन को रीड कर पाए और रिप्लाई भी कर पाए, तो बस उसके लिए है इसे आपको ऑन करना होगा। अगर आप इसे ऑन नहीं करते हो तो नोटिफिकेशन शो होगा बट आप उसे रीड वगैरह नहीं कर पाओगे, तो ये यहाँ पे आपको दिक्कत देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे फीचर्स आपके लिए लेकर हाजिर होता है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अगर आप सेम मेथड फॉलो करते हो लॉक स्क्रीन वाला। ठीक है, तो ये फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगेन आते हैं एडवांस के सेटिंग्स में, तो यहाँ आपको जो क्लॉक के लेआउट देखने को मिल जाता है। अगर आप टेक ऑफिस पे ऑलरेडी इस वीडियो को वॉच कर चुके हो, रिव्यू को वॉच कर चुके हो, तो ये आपके लिए बोरिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने उस पर सारे फीचर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। और रिव्यू ऑफ रोम पे मैं आपको जस्ट फिर से इसे बता रहा हूँ, क्योंकि बेस्ट रोम निकल के आया है, तो सारे फीचर्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि न्यू यूजर्स को भी कोई दिक्कत ना हो, इधर उधर जाना ना पड़े। तो कीप वॉचिंग, ओके, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।
यहाँ पे आपको पावर मेनू एक्सेस मिल जाता है, डबल टैप टू स्लीप मिल जाता है, पॉकेट मोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आते हैं नोटिफिकेशन में, तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन को आप कमिंग कर सकते हो, नोटिफिकेशन आइकन को इनेबल कर सकते हो या फिर डिसेबल कर सकते हो, LTE को 4G, 4G को LTE कर सकते हो, स्पीड मीटर इनेबल कर सकते हो, कैरियर लेवल को लॉक वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो, बैटरी परसेंटेज यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि परसेंटेज है, टैब है और ग्राफिक्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो शो ऑन लॉक स्क्रीन एक्सपेंड डेस्कटॉप, यहाँ पे नोटिफिकेशन का स्टाइल एंड्रॉयड और MIUI, यहाँ पे नोटिफिकेशन का अलावा क्यूक सेटिंग लेआउट देखने को मिलता है जो कि मैंने अभी ये जो कॉम्पैक्ट कर रखा है, अगर आप इसे डिफॉल्ट पे सेट करते हो तो डिफॉल्ट का लेआउट कुछ आपको इस तरह का देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत काफ़ी बढ़िया सा है। बैटरी डिटेल में अगर आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा मैंने चार्जिंग किया था ताकि रिव्यू के टाइम ऑफ ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा चार्जिंग पे डाला है। तो यहाँ पर टोटल डिटेल मुझे मिली 8 hours 15 minutes का जो डिस्प्ले ऑन टाइमिंग है, ठीक है, मैंने बैटरी को रिप्लेस किया है, यानी मैंने 2-3 days ही है जो अपने बैटरी को नया सर्विस सेंटर से केयर लगाया है, तो बिल्कुल ही मेरे बैटरी है जो न्यू है, तो मे भी आपको थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा बैटरी बैकअप, अगर काफ़ी ज़्यादा आपका ओल्ड हो चुका है 1 year 2 years तो मे भी हल्का सा डाउन मिलेगा क्योंकि ये बिल्कुल ही लेटेस्ट यानी न्यू बैटरी के ऊपर है जो टेस्ट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बैक की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एडिशनल, जहाँ पे टाइमिंग प्राइवेसी वगैरह देखने को मिल जाती है, जहाँ पे कोई कुछ खास कॉमन वाले फीचर्स नहीं है। यहाँ पे टाइम एंड डेट पे आते हैं तो यहाँ पे ड्यूल क्लॉक भी दिया गया नहीं है जो कि ड्यूल क्लॉक हमें मिलता है एंड्रॉयड पाई वाले MIUI के ऊपर। ओके, यहाँ पे आपको मिल जाता है इमरजेंसी SOS MIUI लैब जो कि हमारा MIUI का फीचर्स है। यहाँ पे एक्सपेंड में आपको मिलता है क्विक बॉल जिसका आप यूज कर सकते हो, फिलहाल मैं इसे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको सेकंड स्पेस और 100 मिलता है। MIUI अकाउंट को लॉगिन और लॉगआउट भी आप कर सकते हो, सिस्टम ऐप्स की सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है, यहाँ पे मैनेज ऐप्स कर सकते हो। परमिशन के अंदर आपको एक और एक्स्ट्रा फीचर्स मिलती है, वो है अदर परमिशन का, जहाँ पे आपको स्लाइड करके इस परमिशन के ऊपर आना है। यहाँ पे लास्ट में मिलेगा परमानेंट नोटिफिकेशन, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उन यूजर्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा ऐप्स यूज करते हैं, एड्स वाले जिनके अक्सर एड्स आते रहते हैं, लाइक व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप नहीं, यूसी ब्राउजर हो गया, गाना म्यूजिक प्लेयर हो गया, कुछ ऐसे है जो एड्स वाले एप्लीकेशन जो कि फालतू के हैं, जो नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करते रहते हैं कि ये आ गया वो आ गया इसका प्रचार उसका प्रचार, तो बार बार आपको यहाँ से क्लीन करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे सिंपली आकर उसे डिसेबल कर सकते हो ताकि उसका कोई भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल पे देखने को ना मिले, बार बार आपको क्लीन करना भी नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है जो उन यूजर्स के लिए दिया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फेस अनलॉक के थ्रू आप जो ऐप्स को लॉक भी कर सकते हो और अनलॉक भी कर सकते हो, तो ये फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे यूट्यूब वगैरह को लॉक करूँ, यहाँ पे सेट परमिशन दूँ, यहाँ पे पासवर्ड को सेट करूँ, यहाँ पे ड्रॉ अगेन करके नेक्स्ट पे, यहाँ पे ऐड फेस डाटा भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और साथ साथ यहाँ पे आपको वन टाइम और अनलॉकिंग फिंगरप्रिंट और हाइडन कॉन्टैक्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप जब उसका यूज कर सकते हो जो कि काफ़ी अच्छा फीचर्स यहाँ पे निकल के आता है, जो कि काफ़ी ओल्ड है, नया नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे कमी मिलती है वो है इसके कैमरे की, जो कि MIUI 9 का अभी तक कैमरा दिया गया है, तो MIUI 10 का पोर्ट्रेट वाला कैमरा तो अभी तक मिला नहीं है ऑफिशियली। और एक और सबसे बड़ी माइनस पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे GCam यूज नहीं कर सकते हो। GCam यहाँ पे इसलिए यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि एंड्रॉइड 7.1.2 पे रन कर रहा है, ना कि ओरियो या पाई पे। तो MIUI 10 पे ऑफिशियली डिसेबल कर दिया गया API 2 को, अगर आप API 2 इनेबल भी कर देते हो तो आपका मेन कैमरा डिसेबल हो जाता है और यहाँ पे GCam भी आपको सपोर्ट नहीं करता है। बट एक स्पेशली मैंने काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे API इनेबल और GCam यूज करने के मेथड बता दिया है टेक ऑफिस पे, जिसके लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो उसका मेथड यहाँ पे फॉलो करके ट्राई कर सकते हो कि काम करता है या फिर नहीं करता है। ऊपर की ओर आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पे जो सर्च बार आपको देखने को मिल जाता है, इधर की ओर आप करते हो तो स्टेप काउंटर मिलता है, यहाँ पे आप इस तरह से ड्रॉ करोगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। तो काफ़ी अच्छा फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है शॉर्टकट के रूप में, और यहाँ पे आपको जो वेदर वगैरह भी है जो देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको एक सर्च बार भी देखने को मिलता है जो कि हमें इस तरह से स्वाइप अप का जो सर्च बार देखने को मिल जाता था, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और गैलरी में सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये लगती है कि आप यहाँ पे पिन जूम और पिन आउट का ऑप्शन है जो दिया गया है, जैसा कि हमें अदर गैलरी में देखने को मिलता था पिन जूम और पिन आउट का, तो ये भी फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड किया गया है जो कि काफ़ी कमाल का फीचर से जो निकल के आता है। अगर यहाँ पे कैलेंडर के ऊपर आते हो, फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे वेदर वगैरह और आपको कंट्री वगैरह जो चेक करने के लिए ऑप्शन देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है और काफ़ी ज़्यादा न्यू देखने को मिला है। अगर मैं इसका डेटा क्लीन करता हूँ इस तरीके से और इसे मैं फर्स्ट टाइम पे ओपन करूँगा तो यहाँ पे फिलहाल नहीं हो रहा है, वन टाइम में होता है, सेकंड टाइम में ये दोबारा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो लुक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप बैंकिंग के ऐप भी यूज कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पहले से अनरूटेड रहता है, मैंने मैजिक के थ्रू किया है इसे रूट, तो आप चाहो तो रूट करके बैंकिंग वाले ऐप को यहाँ पे हाइड कर सकते हो और इसे यूज कर पाओगे, कोई भी दिक्कत है जो नहीं आती है बैंकिंग ऐप को यूज करने में, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बैंकिंग ऐप को यूज किया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो रियल टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वो है 8 hours 35 minutes का डिस्प्ले ऑन टाइमिंग, जो कि 8% बैटरी आ चुकी है 100 से 8% तक का। और यहाँ पे टोटल ग्राफ हमें मिला है 23
3 hours और 44 minutes का, यानी 24 hours कंप्लीट होने को है, यानी 1 day एक्यूरेट कंप्लीट होने को है, जिसमें से 8 hours का डिस्प्ले ऑन टाइमिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप मुझे काफी अच्छी लगी है, लेकिन इसमें ज्यादा चीजें यूज नहीं की है, नॉर्मल सी चीजें ही यूज की गई है, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह, लेकिन गेमिंग यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। तो आप गेम प्ले करते हो तो आपको थोड़ी सी बैटरी की जो स्टैंड बाई है वो आपको थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जीपीएस आप जो यूज कर सकते हो, जीपीएस में आपको कोई भी कमी नहीं आती है। कुछ लोगों का कहना है कि चाइना बेस्ट रोम होता है तो जीपीएस यानी लोकेशन में हमें प्रॉब्लम आता है, बट ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। परफेक्ट लोकेशन आपको दिखाई देगा, बस आपको जो टाइमिंग थोड़ा सा देना होगा, स्पेंड करना होगा, ताकि ये डेटा को लोड कर पाए और आपको जो एक्यूरेट टाइमिंग है जो शो कर पाए, तो ये भी आपको चीज मिल जाती है। अब आते हैं थीम के अंदर, जो कि यहाँ पे थीम को अपडेट कर दिया गया है चाइना के थीम के अनुसार, तो यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे थीम का सेशन मिलता है, यहाँ पे वॉलपेपर के सेशन मिलते हैं, नेट थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, यहाँ पे आपको लाइव वॉलपेपर भी मिल जाता है सेशन, रिंगटोन्स भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, साथ साथ फॉन्ट भी यहाँ पे मिलता है जिसे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है थीम लैब का, जिसके अंदर आपको वॉलपेपर स्लाइड का भी ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन के लिए, जहाँ पे आप फेवरेट अपने वॉलपेपर को सेट कर सकते हो ताकि वो स्लाइड के रूप में जो काम करे, तो जैसा आपको वॉलपेपर ज्यादा पसंद है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे, ताकि आपका होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन का डेसिंग जो काफी ज्यादा इंप्रूव हो सके, तो इस तरह से आप उसे सिलेक्ट करके यूज कर पाओगे। तो ये तो था आपका स्लाइड का फीचर। यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रांसपेरेंट, अगर आप इसे चाहते हो अदर डिवाइस पे यूज करना, तो मैंने टेक ऑफिस ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, ताकि आप इस ऐप का यानी थीम स्टोर का यूज कर पाओ अदर फोन के ऊपर भी, और ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर का फीचर्स यूज कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से मिलता है, आप कोई सा भी वॉलपेपर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और अप्लाई करोगे तो आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रांसपेरेंट का। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ गैलरी के अंदर, कोई भी एक यहाँ पे पिक ले लेता हूँ, उसे सेट करता हूँ मैं इसे एज अ वॉलपेपर। चलिए ठीक है, आते हैं सेट अप वॉलपेपर के ऊपर, यहाँ पे जैसे आप अप्लाई करके इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऐड टू लॉक स्क्रीन स्लाइड, ऐड टू होम स्क्रीन स्लाइड, सेट बोर्ड, या फिर ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर। तो मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पर जैसे सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट के रूप में जो सेट हो गया है। यहाँ पे आपको क्लॉक की टाइमिंग वगैरह हल्की सी नजर आ रही, मैं सेटिंग ओपन करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे अपडेटर्स पे भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी नजर आएगा, मैं अगर प्ले स्टोर पे आता हूँ तो यहाँ पे भी नजर आएगा, अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ तो कॉलिंग पे भी जो मुझे ये देखने को मिलता है। ये हर जगह आपको ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा सा लगता है। अगर आपको ये फीचर पसंद नहीं आता है या फिर आप बोर हो गए हो, इसे हटाना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके थीम लैब पे आके इसे जो आप ऑफ कर सकते हो, या फिर इसके ट्रांसपेरेंट को कितना ज्यादा आपको रखना है वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो ये फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। आप यहाँ पे ब्लूटूथ का भी यूज कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। बट एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे ये आ रही है, अनटूटू का स्कोर मेरा रन नहीं कर रहा है। तो आप एक बार जरूर ट्राई कर लेना कि आपका अनटूटू का स्कोर रन करता है या नहीं। मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया है, बहुत बार ट्राई की है, कोशिश किया है, बट यहाँ पे अनटूटू का स्कोर हमेशा फ्रीज हो जाता है, डिस्प्ले ऑन रहता है, बट ये रन नहीं कर पाता है। तो अनटूटू का स्कोर में आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे प्रॉब्लम। अब आते हैं पबजी के डिटेल के ऊपर कि पबजी आपको कैसे ग्राफिक्स में यहाँ पे प्ले हो पाता है और पबजी के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं पबजी को। सो यहाँ पे मिशन स्टार्ट हो चुका है, अभी तक मुझे थोड़ा सा लैग देखने को नहीं मिला है, बट हल्की सी हीटिंग है जो एक्स्ट्रा फील होने लगी है। तो थोड़ा सा प्ले करके मैं आपको रिजल्ट देने वाला हूँ, और कुछ जो मैंने कंडीशन बताए हैं कि आपको फॉलो करने होंगे अगर आप इसे यूज करना चाहते हो, तो वीडियो को फुल वॉच करते रहें। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है इस रोम को यूज करने से पहले, वो चीज़ें आपके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहले गेमिंग को आप मैं दिखाया तो एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आपने खुद ही कहा है कि भाई 5 मिनट का कम से कम प्ले करके आप दिखाया करो, ताकि हमें पता चल पाए कि क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो ठीक है, हाजिर है, अगर आप बोर हो रहे हो तो थोड़ा सा स्किप कर लो, अगर आप गेम प्ले नहीं करते हो तो, जैसे कि मैं भी गेम प्ले नहीं करता हूँ, तो मैं बस नॉब टाइप है यहाँ पे गेम प्ले करने वाला हूँ, बस आपको शो करने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्राफिक्स की बात की जाए कि ग्राफिक्स क्या है, तो चलिए ग्राफिक्स के ऊपर भी आ जाते हैं। तो पहले मैं आपको ग्राफिक्स की सेटिंग यहाँ पे दिखा दूँ, सेटिंग को ओपन करते हैं, और यहाँ पे ग्राफिक्स के ऊपर, तो यहाँ पे जो मैंने ग्राफिक्स रेट है जो बैलेंस पे है, और फ्रेम रेट है जो मीडियम पे मैंने सेट किया है। कौन आ गया, फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है, चलो आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हीटिंग जो मुझे फील हो रही है, MIUI के रोम में गर्मी का मौसम है तो हीटिंग तो होने वाली है, लेकिन बाकी अदर कस्टम रोम के मुकाबले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हीटिंग थोड़ी सी आपको ज़्यादा हो रही है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बैटरी बैकअप चाहिए, गेमिंग हल्का फुल्का प्ले करते हो तो आपके लिए सही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसे यूज करोगे वो भी गर्मी का मौसम है, तो भाई हीटिंग तो आपको कस्टम रोम के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे ओवरऑल आपको क्या चीज़ मिलेगी, तो एक बैटरी बैकअप मिलेगा फुल पैकेज, और काफ़ी अच्छे से कस्टमाइजेशन देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है कि इसकी
अपडेट्स आते हैं या नहीं। तो हाँ अपडेट्स आते हैं, तो OTA पैकेज के रूप में आप इसे चेक कर पाओगे अपडेट, लेकिन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा फुल पैकेज है जो कि करीब 1 GB के आसपास का रहता है। उसे आपको मैनुअली TDRP के थ्रू फ्लैश करना होगा। MIUI का जैसे ऑफिशियल अपडेट आता है स्मॉल पैकेज के, वैसे अपडेट नहीं आएंगे। और जब जब MIUI का ऑफिशियल बीटा अपडेट आएगा ना, जब जब आपको इसका अपडेट देखने को मिलेगा, कभी कभी बीटा अपडेट के पहले ही इसका अपडेट आ जाता है, तो कभी कभी बीटा अपडेट के बाद इसका अपडेट आता है, बट अपडेट आता है ये तो कन्फर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो ज़्यादा हीटिंग इंक्रीज नहीं हो रही है, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ गई है, उसी पे जो यहाँ पे हीटिंग है जो रुकी हुई है, एक्स्ट्रा है जो यहाँ पे एक्सपेंड नहीं हो रहा है। तब गेम प्ले कर सकते हो, लेकिन आप कहोगे भाई कस्टम रोम जैसा मिलेगा, तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी भाई कस्टम रोम जैसा यहाँ पे उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कस्टम रोम की बात ही अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे गेम आप आसानी से प्ले कर सकते हो, हीटिंग तो हल्की सी आपको फेस करनी ही पड़ेगी। ओके, अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो आप अगर कहोगे कि यहाँ पे जब उतनी अच्छी नहीं मिल रही है तो हम इसे क्यों यूज करें, तो कुछ लोगों का कहना था कि मैं आपको एक्सप्लेन करके दूँ MIUI का एक अच्छा सा रोम। तो ये MIUI का काफ़ी अच्छा रोम है आपके लिए, अगर आप इसे यूज करना चाहते हो, अगर आप MIUI के लवर्स हो, कस्टमर के लवर्स नहीं हो, तो आपको काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी और PUBG की डिटेलिंग आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप कंपेयर करने वाले हो कस्टमरों के मुकाबले, पिक्सल एक्सपीरियंस वो के मुकाबले, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपको कंपेयर करना ही है तो आप MIUI के जितने भी अदर रोम्स हैं उनके थ्रू उनके साथ इसका कंपेयर करो, ना कि कस्टमरों के बाद, क्योंकि कस्टमर में एक अलग प्लेटफॉर्म है और MIUI का जो अलग रोम आते हैं मॉडिफाइड, वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो दोनों को कंबाइंड प्लीज मत करो, ये करोगे तो आप सबसे बड़ी गलती करने वाले हो। अगर आपको कंपेयर ही करना है तो MIUI के बाकी अदर रोम के साथ कंपेयर करो और कस्टम रोम के बाकी अदर कस्टम रोम के साथ कंपेयर करो, दोनों को मिक्स करना बहुत ही गलत बात है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ कर दिया है एक्सप्लेन। और रही अगर बैटरी बैकअप की बात की, अगर आपको यहाँ पे बैटरी थोड़ा सा कम देखने को मिलती है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा सिंपली कि मेरी बैटरी, मैं आपको पहले ही बता दिया कि बिल्कुल ही लेटेस्ट है, 2 दिन पहले ही मैंने इसे अपग्रेड किया, यानी चेंज करवाया हूँ सर्विस सेंटर जाके, केयर जाके, करीब करीब 1400 रुपये का खर्चा आया है मुझे। तो यहाँ पे बिल्कुल ही न्यू बैटरी का मैं आपको बैटरी डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ी बहुत डाउन देखने को मिल सकती है। और स्टैंड बाई बैटरी डिटेल आपको 1 से 2% की देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा 4G के नेटवर्क पे। तो वीडियो इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको स्विच ऑफ करके जाना होगा TDRP के ऑप्शन में, और आपका TDRP अगर ऑरेंज फॉक्स का है तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं तो आप रिप्लेस कर लो अपने TDRP को ऑरेंज फॉक्स के साथ, क्योंकि ऑरेंज फॉक्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी अदर TDRP में आपका मे भी इंटरनल फॉर्मेट करना पड़ सकता है, और जब भी आप ये मेथड फॉलो करो तो अपने इंटरनल का बैकअप जरूर बना लेना, अदरवाइज आपका टोटल डेटा चला जाएगा, फिर आप ब्लेम करोगे कि आपने कहा था कि इंटरनल डिलीट नहीं करना पड़ेगा, बट मेरा डेटा डिक्रिप्ट या इनक्रिप्ट हो गया। तो इसलिए आप बैकअप जरूर कर लेना अगर आप इसे फ्लैश करने वाले हो किसी कस्टम रोम के बाद MIUI को। तो ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं इसके इंस्टॉलेशन पे। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ऑरेंज फॉक्स, तो आपके लिए भी ज़्यादा बेटर रहेगा ऑरेंज फॉक्स के ही TDRP, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे जैसे ही ओपन होता है TDRP, आपको वाइप के सेक्शन में जाना है, एडवांस पे जाना है, डेल्विक सिस्टम सिस्टम सेटिंग और वेंडर, इन सबको सेलेक्ट कर लेना है और कर देना है यहाँ पे स्वाइप। सिवाय आपको इंटरनल और माइक्रो SD और OTG को छोड़कर बाकी सभी को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे कंप्लीट वाइप हो जाने के बाद होम पे आना है आपको। होम पे आने के बाद इंस्टॉल पे जाना है, जहाँ पे आपने फाइल को रखा है, पुट किया है, वहाँ पे आपको करना होगा ब्राउज। तो फाइल अभी फिलहाल नहीं है, तो चलिए इसे पुट कर लेता हूँ मैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने फाइल को पुट कर लिया है, एरा साइमी EU मल्टी HM4X95910.1, ये सिलेक्ट कर देना है, आपको यहाँ पे कर देना है स्वाइप। और इतना ध्यान रखना है कि अगर आपका डेटा इनक्रिप्ट हो जाता है, पासवर्ड मांगता है या फिर कुछ और स्टार्ट नहीं होता है फ्लैश करने के बाद, तो आपको फिर से TDRP में स्विच करना होगा और फॉर्मेट मेथड वाला ऑप्शन आपको जो सिलेक्ट करके ऑल इंटरनल को फॉर्मेट टाइप करके फॉर्मेट करना होगा, यानी ES टाइप करके फॉर्मेट करना होगा। उसके बाद आप इसे फ्लैश करोगे री फ्लैश, तो आपका जो सक्सेसफुली बूट कर जाएगा। तो ये सिर्फ उन यूजर्स के लिए जिसको डिक्रिप्ट या इनक्रिप्ट वाली इशूज आती है या पासवर्ड वाली इशू आती है इसे फ्लैश करने के बाद। तो यहाँ पे फॉर्मेट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आप अपने इंटरनल का बैकअप बना लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे जो कंप्लीट फ्लैश हो गया है, अब आपको यहाँ पे वाइप कैच कर देना है। अगर आप रूट यूजर्स हो तो यहाँ पे डायरेक्ट आप मैजिक को फ्लैश कर सकते हो, या फिर फर्स्ट सेटअप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आप जो फ्लैश कर सकते हो। तो बस इस तरह से आपको फ्लैश करना है सिंपली, और आपका फोन जो थोड़ी देर में बूट कर जाएगा। क्या मैंने आपको जो ऑल डिटेल फीचर्स इंस्टॉलेशन सब कुछ बता दिया है, तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आपको हर एक लाइक है जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेलिंग के साथ क्रिएट करने में। तो लाइक करना बिल्कुल ही
ना भूलें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें, क्योंकि टेक ऑफिस पे आपको एवरीडे जो डेली अपडेट मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको वीकली और मंथली बेस्ट रोम की कलेक्शन देखने को मिलेगी। और जल्दी है जो अनदर रोम का, कस्टम रोम का बेस्ट कलेक्शन आने वाला है रेडमी 4 डिवाइस के लिए, तो बस वेट करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें।